हेलो दोस्तों, एक बार आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत है डैफिनी गेमिंग में। और आज हम खेल रहे हैं WWE रॉयल रंबल, 30 मैन रॉयल रंबल है, मोमेंटम है फास्ट। तो इस मैच में 30 जने आएंगे और जिसको भी टॉप रोप से रिंग के बाहर फेंका गया और पैर दोनों ज़मीन पर मैच मतलब टिक जाए तो उसे हारा हुआ समझा जाता है। और हम इस मैच को करते हैं शुरू, देखते हैं कि किससे खेल सकते हैं हम। तो करते हैं इस ऐतिहासिक रॉयल रंबल मैच को शुरू। कोई भी इस मैच में जीत सकता है दोस्तों। फर्स्ट प्लेयर मैं चुन रहा हूँ, मैं अगर मैं फेंक दिया जाता हूँ तो मैं दूसरे प्लेयर को भी चुन सकता हूँ मैच के बीच में। मुझे रॉयल रंबल का वैसे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और मैं कुछ भी ले सकता हूँ शुरुआत में, क्योंकि 30 मैन तक टिकना तो बहुत मुश्किल होता है, हमें बीच में ज़रूर बदलना ही पड़ेगा। तो कोई भी मतलब प्लेयर मैं ले सकता हूँ। तो शुरू में हम बस एक नॉर्मल से प्लेयर से शुरू करते हैं, जैसे कि किससे करें, सिजारो नहीं, ब्रॉक लेसनर नहीं, कोई है भी सही था, बैरन कॉर्बिन से शुरू कर देते हैं हम और एंट्री नंबर 1 पे कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना मैच। तो मैच काफ़ी बढ़िया होता है रॉयल रंबल, कुछ टाइम पहले हुआ था 28 तारीख को, 28 जनवरी को। और एंट्रेंस मुझे स्किप करनी होगी जैसे कि बात है कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से, और मैंने आपको रूल बता ही दिए हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट मैच के शुरू करते हैं। तो बैरन कॉर्बिन आ गया है और बैरन कॉर्बिन तो हमारा प्लेयर है, देखते हैं अगला प्लेयर कौन आता है, कौन है भाई, पता नहीं कौन आया है, पता नहीं कौन है, ओके पता नहीं, ओके तो मिस्टर बुकर टी आए हैं और करते हैं इस मैच को हम शुरू। इसमें बस मुझे टॉप रोप से लोगों को फेंकना होगा और देखते हैं हम किसे किसे फेंक सकते हैं। और हाँ, मेरे को एक और बात पता चली है, मैंने एक बार पहले रॉयल रंबल खेल चुका हूँ कि जिसके पास फिनिशर होता है वो बहुत ही जल्दी किसी को फेंक सकता है। शेट, तो मैं इसे फेंक नहीं पाया हूँ, काफ़ी हद तक मैंने फेंक दिया था पर फिर भी। ओके, इसने काउंटर कर दिया, सुन कर दिया कोहने पे, ओके इसने मुझे ही फेंक दिया। अब मुझे बचना होगा इससे कैसे भी, क्या दबाऊँ, 3 4, ओके तो मैं तो बड़ी जल्दी बच गया। डैनियल ब्रायन है थर्ड नंबर का पार्टिसिपेंट रॉयल रंबल में, और पहली टू बैक सुप्लेक्स और दोनों मिलकर अब मुझे मार रहे हैं। ओए ये तो बेईमानी है भाई, इसकी एंट्री चलेगी लगता है, स्ट्राइक आएगी आज, वो भी बहुत सारी आएगी। ओके फोड़ दिया है, अरे उठने दो भाई। तो डैनियल ब्रायन का मैंने काउंटर कर दिया, ये बैरन कॉर्बिन को भी मारेगा, ले फिर ओ तीन ने ये भी काउंटर कर दिया, बहुत ही तेज है बुकर टी। मैंने फिर से काउंटर करा है, धक्का दे दूंगा, ओके एक और बंदा आ रहा है चौथे नंबर का, जब तक ये ब्रायन को फेलता है अंडरटेकर आ चुका है भाई साहब, दी अंडरटेकर मैच में एंट्री कर चुका है और बैरन कॉर्बिन का शिकार बनेगा अंडरटेकर। डेड मैन आज तुम्हारी रात नहीं है, ये आज हम जीतेंगे रॉयल रंबल। ओके इनने काउंटर कर दिया और मुझे ही फेंक दिया है बाहर, अब मुझे फिर से अंदर जाने के लिए मेहनत मशक्कत करनी होगी। 1 3, ओ सॉरी 2 दब गया, 2 4, ओके मैं फिर से अंदर आ गया। तो मेरे को एक बात पता चली है कि दो जने मिलके भी किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं, जल्दी से 3 मिल गए हैं। अब तो इसका एलिमिनेशन पक्का, एक बंदा एलिमिनेट, बुकर टी एलिमिनेट हो गया, अंडरटेकर को मैंने एक दे दी है सही से क्लोज लाइन, इसे मैं डालता हूँ कोने में। कलिस्टो आ गया है और अंडरटेकर को मैंने पटकी पे पकड़ लिया है, स्कूप स्लैम अंडरटेकर अब, ओके अंडरटेकर ने काउंटर कर दिया, एक अपर कट जोरदार, of course we can't talk
power of the Undertaker's career without mentioning the streak. It's almost inconceivable. Undefeated blood matches of WrestleMania. Any superstars have faced the demon from Death Valley on the greatest stage of them all has come out of it much worse for wear. Steve Austin making his statement as we speak. Well, that missed him all right. Hey, did you looking for a firing? What an idiot. Who's next? Today, he's asked. Nathan Sack from here. You know it. Team before that, there's no doubt that the Undertaker's experience with good matches is unparalleled. As is WrestleMania's ring makes clear. But if you're getting into that ring with a dead man, you better know every inch of it because the Phenom has been here before. Many, many times. Pushed him out. They got him out. They're in Corbin showing some adversity right now. It only takes a couple of those to bring his match to an end. Aaron Corbin showing some adversity right now. Look more of that, and he's not going to last long. He's still in this one. He's a gorgeous energy. Oh my gosh, this is awful. Oh no! Oh, and he eats the canvas. Oh, after that, you're not seeing stars. You're looking at constellations. You know, Michael, the Undertaker has always been a fan favorite for the WWE. It's like he brings something unique to this world that the fans really appreciate. Oh, he's coming back in. Is he out? No, he made it back in. What a battle, what a great Royal Rumble. Who's going to be the next superstar to enter this thing? He's pulling out all the stops tonight. He's a power away. He's fast. Well, here comes the Undertaker to win this thing. Oh, that was close. He's coming back to the ropes. He's still in this one. What a shot. If you take many more like that, you're going to have a lot of bad. Undertaker is showing us that this is his yard. When you don't want to trespass on. Today, he's fast. Look how slow he is to recover here. That was some serious punishment. I can only absorb so much of that. It only takes a couple of those to bring his match to an end. I'm going to the top. High risk. Look at his neck. Oh, yeah. It seems the focus of his onslaught is directly on the back. This is going to be brutal. Yeah, the back is in bad shape. Oh shit, Mikey on nahi tha itni der. I'm sorry. Okay, maine counter kar diya hai. It's that type of determination that makes Zack Ryder an internet sensation. Okay. Thoda stamina batol lu main uske baad dunga ise main ek kya kehte hain use? Ek signature move khada ho bhai. Signature move le. Daniel Bryan, एक फाल्कन एरो, शायद मॉडिफाइड फाल्कन एरो, स्टैमिना आ जाए, ओ शिट, क्रिश्चियन ने मुझे दे दिए एक ग्लोरियस डीडीटी, एक्चुअली इसका नाम मुझे पता नहीं है, पर बॉबी रूड यूज करता है तो इसे ग्लोरियस डीडीटी कहता है, अब मुझसे जो टकराएगा वो हारेगा भाई, एक बार बस मैं उठ जाऊं, अगर मैं उठा तो मेरे पास फिनिशर है किसी को भी एलिमिनेट कर सकता हूँ एक झटके में मैं और अंडरटेकर का ही टाइम आ रहा है थी ओके इसे तो मैं वैसे ही अंडरटेकर को एलिमिनेट कर दूंगा ओह शिट ये तो हुआ ही नहीं एलिमिनेट कोई नहीं अब ये एलिमिनेट होगा अंडरटेकर की नाइट हो रही है दोस्तों खत्म फिनिशर और एक क्लोज लाइन के साथ अंडरटेकर एलिमिनेटेड Daniel Bryan भी आप जाएगा। Daniel Bryan भी गया। Oh shit, Daniel Bryan ने दोनों को हटा दिया। Okay, Daniel Bryan तो भाई कमाल कर रहे हैं आज। Comeback लगा दिया है Daniel Bryan ने अपना। और एक DDT जोरदार। Baron Corbin तो वैसे बैरन कॉर्बिन ने बहुत बड़ी बात किया आज इस मैच में जैसे कि अंडरटेकर को एलिमिनेट करना और लगता है अंडरटेकर को एलिमिनेट करके ही ये निकल लेगा यहाँ से क्योंकि डैनियल ब्रायन भारी पड़ रहा है बहुत अबे चल टाइम आउट मांग रहा है तू बाहर निकल ओके बाहर नहीं निकलेगा तो बिग बूट ले भाई स्टैमिना स्टैमिना चाहिए मुझे स्टैमिना डैनियल ब्रायन बड़ी जल्दी खड़ा होता है यार ओके ओ सिग्नेचर ये खा गया मेरा पूरा यार रैंडी ऑर्टन की इस मैच में एंट्री हो गई है यहाँ पर मैच बहुत ही खतरनाक मोड पे आ रहा है आर के वो लग सकते हैं बिना कहीं से भी मुझे तो उठाओ भाई कोई अरे उठने दो भाई मेरे को कोई ओके तो क्रिश्चियन रैंडी को एलिमिनेट करना चाह रहा है होगा तो है नहीं इससे ओके मैं ब्रायन को एलिमिनेट करने जा रहा हूँ आ शेट ये ले फिर शेट हेड अरे ये करिश्तो मुझे क्यों मार रहा है मैं तो उसी की मदद कर रहा था
बिग ई आ चुका है भाई साहब, द न्यू डेज का एक मेंबर क्रिश्चियन एलिमिनेटेड, बिग ई का सबसे पहला मैं ही हूँ सबका वो लोन बुल्फ को सब मिल मिल के मार रहे हैं भाई आज तो। ओके रैंडी चल, ओके कलिस्टो मेरा होल्ड तोड़ रहा है, बिगी को ये एलिमिनेट नहीं कर पाएगा या कर सकता है, डैनियल ब्रांड कर भी सकता है कुछ कह नहीं सकता मैं, स्टैमिना थोड़ा गेन कर लूं। ओके गेन नहीं हुआ इस पे स्टैमिना, अब मैं इसे एलिमिनेट करता हूं डैनियल ब्रांड को, दो एक एंड डैनियल ब्रायन इज एलिमिनेटेड। कलिस्टो को एक मूव फोड़ने वाला मूव मेरा, रैंडी ऑर्डन को भी मैं चाह रहा हूँ एलिमिनेट करने के लिए, मतलब बिगी को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर देते हैं। चल कोने में एक जोरदार घुसा ले मुक्ति को, नहीं सब बजा दूंगा तेरे, खड़ा हो। ओके मैंने काउंट, आंद्रे द जायंट आ गया है इस मैच में और मैंने लगा दिया बिगी पर सिग्नेचर अपना, आंद्रे द जायंट को मुझे एलिमिनेट करना होगा इस मैच से कैसे भी। ओके मैंने कोने में डाल दिया आंद्रे को, मेरे पास इतना स्टैमिना ही नहीं था यार, मैं सकता तो उसे एलिमिनेट कर सकता था। ओ डास्ट प्रेस, बिगी आंद्रे पर भारी और रैंडी मेरे पर भारी। ओके आंद्रे द जायंट ने थोड़ी बाजी पलटने की कोशिश करी है पर हम अभी भी पिट रहे हैं और केन की एंट्री हो चुकी है मैच में, अब तो जोरदार बंदे सिग्नेचर लगा दिया है मेरे पर रैंडी ऑर्टन ने, बैरन कॉर्बिन की तो वाट लग गई है भाई, कोई तो बचाओ, इतना क्यों मार रहे हो मुझे, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है। और मुंह पर कोहनी बिल्कुल ऊंचाई से, अरे उठने तो दे भाई, फिनिशर है मेरे पास, तोड़ दूंगा बेटे तेरे को। और मैंने डॉज कर दिया है रैंडी ऑर्टन का मूव, लेके चल रहा हूँ मैं इसे इधर, मेरे को स्टैमिना चाहिए और रैंडी ऑर्टन फिर से मेरे पे भारी, मेरे पास स्टैमिना नहीं है वरना मैं इसे एलिमिनेट कर सकता हूँ। ओह शिट इन्हें मुझे बाहर फेंक दिया, लगता है अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। ओके एस्केप एस्केप एस्केप, ओके मेरे को बाहर फेंक दिया, अब मैंने नंबर 14 पे एंट्री करनी है, मैं अभी रिंग में नहीं हूँ। बैरन कॉर्बिन एलिमिनेटेड, 14 नंबर तक रुका था बैरन कॉर्बिन, अब देखते हैं हम क्या बन के आते हैं। ओके जेवियर वुड ने आंद्रे द जायंट को एलिमिनेट करने की कोशिश करी पर हो नहीं पा रहा है, केन ने टर्न बकल की तरफ मारा पर वो बच के निकल गया, केन जेवियर को मार रहा है, बिगी आंद्रे को मार रहा है और रैंडी ऑर्टन बिगी को मार रहा है, अब आंद्रे द जायंट पर निशाना लगाया रैंडी ऑर्टन ने और जेवियर की इधर पटकी पर पटकी लग रहे हैं केन से। बिगी आंद्रे द जायंट को एलिमिनेट करने के बहुत ही करीब है, क्या वो कर पाएगा? ओके नहीं कर पाया वो और जेवियर को फेंक दिया है बाहर केन ने, अब रैंडी ऑर्टन बिगी को एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं कर पाया, आंद्रे द जायंट ने फेंक दिया उठा के इधर उधर और बेली टू बैक सुप्लेक्स, मेरा भी नंबर आने वाला है 6 5 4 3 2 1। ओके मैं कौन हूँ? जिमी ऊसो हूँ मैं, क्या आया हूँ मैं भी यार, कमाल हो गया, पता नहीं कुछ भी आ गया, आते ही जेवियर ने मुझे पकड़ लिया है और पता नहीं कहाँ सुला रहा है मेरे को अपनी उसमें, दही तोड़ दी मेरी तो जेवियर ने आते भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे कहाँ से काउंटर करना है कहाँ से नहीं करना है, ऐसा ही होता है जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं रिंग में तो ध्यान इधर उधर होता रहता है और दिखता नहीं है कहाँ से काउंटर करना है कहाँ से मूव आ रहे हैं। ओके फिर भी मैंने काउंटर तो कर दिया है। ओके डीडीटी दी है हमने इसे जेवियर को,
ओके जिमी उसो ने एक ओके केन ने हमारे हमको पकड़ लिया भाई सही से फोड़ रहा है पावर बॉम्ब नहीं था ये क्या था पावर स्लैम था ये रनिंग पावर स्लैम ओके केन को काउंटर करा मैंने कोने में केन को एलिमिनेट करने की कोशिश हमारी तीन कैसे भी करके हमें इसे एलिमिनेट करना ही होगा एक एक और बार कुछ एक केन को एलिमिनेट कर दिया है जिमी उसो ने और रैंडी ऑर्डन ने अब हमें एलिमिनेट करने की कोशिश करी है अब हमें बचना होगा दो चार दो तीन एक दो एक ओके बच गए हम वरना तो वाट लग जाती जोरदार कोहनी मारी हमने पेट पर एक लात जा रहा हूँ मैं अरे यार टॉप रोप पे जाना भाई टॉप रोप पर से एक मूव ओके आर के ओट अनोवेयर लग गया हमें मिड एयर से जिमी कूदा और लग गया हमें आर के ओ निकल ले भाई तुझे तो मैं एलिमिनेट करके ही रहूँगा दो केन की तरह ये भी जाएगा आई थिंक तो ओके इनने तो काउंटर कर दिया पता नहीं कैसे पता नहीं तीनों गए और आंद्रे द जायंट ने मुझे बिग बूट दे दिया है आंद्रे द जायंट स्लो है दूसरे कंपेटिटर के मुकाबले शेन मैकमैन की एंट्री हो चुकी है भाई और मुझे रैंडी ने फिर से बाहर कर दिया अब मुझे फिर से बचना होगा तीन दो चार एक चार एक ओके मैं फिर से अंदर आ गया शेन 15वें नंबर पे है ओके मेरा खोपड़ा फूट गया आंद्रे द जायंट ने मेरा खोपड़ा फोड़ दिया भाई मेरे पास एक फिनिशर नहीं आया अभी तक ये क्या हो रहा है मोमेंटम तो मैंने फास्ट करा था ये मैंने स्लो कर दिया रैंडी ने मुझे पकड़ के उठा लिया है और पता नहीं क्या करेगा जोरदार सुप्लेक्स दिया है भाई ओके मेरे को तो धोया जा रहा सही से भाई साहब कम ऑन आंद्रे द जायंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा दिखा है सिग्नेचर आ गया है मेरे पास सिग्नेचर सुपर किक लगी है आंद्रे द जायंट उठ भाई आज तो तू गया आज नहीं बचा सकता तुझे कोई भी ओके इन्हें काउंटर कर दिया लगता है कोई बचा सकता है इसे पर नहीं बचा पाएगा ओ शिट अब ही नहीं जब बचेगा तो कैसे भी कोने में डाला फिनिशर और आंद्रे द जायंट एलिमिनेटेड रैंडी ऑर्टन ने भी किसी को एलिमिनेट करा बिगी को एलिमिनेट करा हमने रैंडी ऑर्टन को फेंक दिया ओके तो रिंग थोड़ी खाली हुई अब दो बंदे एलिमिनेट हो गए हैं और रैंडी को मार नहीं पा रहा हूँ मेरे पास स्टैमिना नहीं है एक हेडबट दिया है पर मेरे पास इतना स्टैमिना ही नहीं है मिडल रोप से सेंट ऑन बॉम्ब एक लात छाती पर और रैंडी ने मुझे पहले पकड़ लिया था यार उसकी स्पीड ज़्यादा है मेरे से ओके अब की तो तीन एक दो तीन दो ओ शिट तो जिमी उसको कुछ नहीं कर पाया ज़्यादा और एलिमिनेट हो गया एंट्री ऑर्डर मैंने 16 कर दिया है अब दो बार तो पता नहीं मेरे प्लेयर एलिमिनेट हो चुके हैं बहुत ही हार्ड रॉयल रंबल है जैसा कि आपको अब तक आपको पता लग ही गया होगा 10, 9, 8, 7, 6 मतलब इस बार मैं जल्दी आ रहा हूँ जेवर बुड पे सिग्नेचर लगा दिया गया है रैंडी ऑर्डन के द्वारा और फंडांगो आया हूँ मैं मेरी किस्मत खराब है क्या भाई पता नहीं क्या क्या बन के आ रहा हूँ मैं तो फंडांगो आ गया रिंग में और आते ही शेन ने उसे पटक दिया है क्या करके मानोगे और गला दबा के यही मारने की कोशिश कर रहा है शेन इसे क्या है भाई हमने गला दबाने की थोड़ी रखी थी जान से मारने की नहीं है भाई साहब केवल बाहर फेंकना है शायद मोमेंटम मैंने किसी वजह से किसे स्लो कर दिया था आई डोंट नो गलती हो गई मेरे से शायद ज्यादा बार वो बटन दब गया
और शेन ने पकड़ लिया है एक नेक ब्रेकर में. शेन के पास सिग्नेचर है और मुझे फेंक दिया गया है. ट्रिपल एच की एंट्री हो गई है, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है. और रे भाई मुझे एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश है इनकी, बच गया. ओके शेन तो पूरा गुस्से में है, मुझे आज एलिमिनेट करना चाह रहा है. चल बाहर. ओके मैं शेन को एलिमिनेट कर रहा हूँ. 3 2 4 2 4 शिट 1 2 और शेन मिकमैन हैज बीन एलिमिनेटेड. फर्नांगो ने कैसे भी करके एलिमिनेट कर दिया. रैंडी ऑर्टन को एक जोरदार लात लगी है. रैंडी ऑर्टन को भी एलिमिनेट करूंगा मैं अब. ओके अल्टीमेट वॉरियर की एंट्री हो चुकी है भाई साहब. ट्रिपल एच को बाहर फेंकने की मेरी कोशिश है. ओ शिट ओके मैंने ट्रिपल एच को एलिमिनेट कर दिया. फर्नांगो ही लग रहा है सबसे बेटर कर रहा है आज तो. कम ऑन तू उसे एलिमिनेट कर. अल्टीमेट वॉरियर के बस की बात नहीं है कुछ भी. ओके रैंडी ऑर्टन ने मुझे फिर से फेंकने की कोशिश करी एक और बार. और इस बार मेरे को बाहर मत करना कोई. ओके मैं बच गया कैसे भी. अल्टीमेट वॉरियर ने रैंडी को मारा. मैंने ओके शेन का बाप आ गया मेरे से बदला लेने शायद. दोनों हम मिलके अल्टीमेट वॉरियर को मार रहे हैं. मैं रैंडी ऑर्टन को पकड़ता हूँ. अबे ओके 2 अल्टीमेट वॉरियर को हराने की कोशिश. When it comes to the Apex Predator, it doesn't get much more sadistic okay. than Randy Orton and the people with us live at WWE events. So, Ultimate Warrior ने कैसे भी करके काउंटर कर दिया यार. इतना करीब था मुझे हराने के. और सच में ही बदला ले रहा है तो शेन का मेरे से. सही तो धो रहा है मुझे मिस्टर मिकमैन. गर्दन तोड़ने की कोशिश. अगला सुपरस्टार आ रहा है केवल अब. एंड द मिस की एंट्री हो गई है 20वें नंबर पर. जीतने के काफी चांसेस हैं मिस के. ओके खड़ा हो तू. जैसे बाप बेटा गया था वैसे बाप भी जाएगा. ओके तो शेन मिकमैन का बदला लेने आया हुआ बंदा वो भी गया मेरे से. अल्टीमेट वॉरियर की बारी है अब. क्या हम अल्टीमेट वॉरियर को कर पाएंगे एलिमिनेट. ओके इसने तो कुछ करने से पहले ही हटा दिया हमें. फर्नांगो थोड़ा बढ़िया लड़ रहा है पहले से तो. ओके ड्रॉप किक को काउंटर करा अल्टीमेट वॉरियर ने. एंड मिस्टर रसल मेनिया शॉन माइकल्स आ गए हैं. मैंने इसे काउंटर कर दिया इसका जो भी ये मूव था. ओके इसने मुझे पकड़ लिया. एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा ये पक्का. तू एलिमिनेट करेगा मुझे. निकल ले यहाँ से. अरे पक्की में भर दी इनने तो. अरे भाई साहब पटक दिया इनने तो. रैंडी तो आराम कर रहा है आराम से. रैंडी बहुत देर से इस मैच में है और पता नहीं मेरे को कौन सा स्लैम लगा है. लग रहा है रैंडी. ओ भाई मिलिट्री प्रेस पे उठा लिया पर काउंटर कर दिया हमने एक डीडीटी के साथ. सैमी ज़ेन आ गए हैं. मिस खड़ा हो मिस. ओके मिस ने हमें ही बाहर फेंक दिया. नहीं बाहर नहीं फेंका है. ओके मिस काउंटर करता है. मुझे लगा था ये काउंटर ही नहीं कर पाएगा पर मिस एक बहुत ही अच्छा रेसलर है मैं ये मानता हूँ. और जैसा कि मैंने कहा बहुत ही अच्छा रेसलर है. मेरे को धो रहा था इसे अभी. कम ऑन मिस. अरे तेरी की सही धो रहा है तो. अंडरटेकर से ज्यादा तो यही मुझे मार रहा है. अरे भाई तोड़ दी छाती. और जोरदार एक और लात छाती पर. कैसे करेगा भाई.
अब आयरिश वेब कोने में और एक और काउंटर मेज की तरफ से। भाई आज तो मेज दूध पी के आया लग रहा है। अरे खड़ा हो जा फर्नांगो के बच्चे। अरे सो गया क्या बैठे बैठे ही। ओके Miz to add a submission maneuver, especially one from the legend Ric Flair, is अरे भाई कैसे कुछ हो ही नहीं पा रहा। मेरे कंट्रोलर बंद है क्या? और अब 4-1-4 come on, no one knows what WWE championship. ओके मिज ने हमें कर दिया है एलिमिनेट फर्नांगो को। एंट्री ऑर्डर 23 अब की बार। क्या हम जीत पाएंगे इस रॉयल रंबल को? पता नहीं, चार बंदे तो बदल चुका हूं मैं लगभग। अल्टीमेट वॉरियर का रैंडी ऑर्डन एलिमिनेट हो चुका है, मेरा ध्यान नहीं था। और अल्टीमेट वॉरियर है सबसे देर मैच में, और शॉन माइकल है, फिर मेज है, फिर सैमी जेन थोड़ा फ्रेश है। अल्टीमेट वॉरियर हैज बीन एलिमिनेटेड और मैं कौन हूँ? ट्रिपल एच वन। तो इस बार मैं थोड़ा अच्छा प्लेयर आया हूँ और शॉन माइकल मेरा डी जनरेशन एक्स वाला बंदा मेरे को पीटने की कोशिश में, और आते ही मैंने कोहनी मार दी है इसके पेट ही पेट पर। दो लात लगी है और इसे मैंने बाहर फेंकने की पूरी कोशिश करी है। 2-4-1-4 ओह शिट, 3 दबा दिया मैंने। ओह तो एलिमिनेट नहीं हुआ शॉन माइकल। नया खून है इसके अंदर अभी। ओके क्लोज लाइन। ओके शिट, तो शॉन माइकल ने काउंटर लगाया। सकेट, 2-1 से ही। केविन ओवेंस की एंट्री। ओके इन्हें मुझे फिर से काउंटर में, मैंने भी काउंटर कर दिया। जोरदार क्लोज लाइन दी है मैंने इसे। ओके सैमी जेन को लग गई वो पता नहीं कैसे। एक और आयरिश विप कोने में। शॉन माइकल पिटेगा बस। ओके मैं कहा हूँ तो मिज मेरे को धो रहा है। मिज कैसे धो सकता है ट्रिपल एच को? ये क्या हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? अरे भाई सही से धो रहा है मिज तो मुझे। कम ऑन, पर नहीं, नेविल आ गया है इस मैच में और कोहनी लगी है मिज के। मैं गया टॉप रोप पे। ओके वो हट गया जगह से। ये क्या हो रहा है भाई? मिज एक लात दी है मुझे पर मैंने कैसे भी काउंटर कर दिया। अबे मुझे मिज को हराना है भाई। ट्रिपल एच को ने स्कूप स्लैम दे दिया है। और नेविल मेरे पीछे पड़ गया गलती से लगा था नेविल को। मैंने जानबूझ के थोड़ी ना मारा था भाई। कम ऑन वो जा रहा ऊपर, मुझे हटना होगा। ओके मैं हट नहीं पाया। नेविल ने मुझे टॉप रोप से दिया है और खुद भी गिर गया पता नहीं किसके मूव के इंपैक्ट से। उठ गया वो तो मैं कब उठूंगा भाई। ट्रिपल एच 90 की मोमेंटम है। ओके तो मेरे पास आ गया सिग्नेचर। खड़ा हो तू लड़ेगा मेरे से। स्पाइन बस्टर और नेविल यहाँ खत्म। और नेविल को एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें। ओके एलिमिनेट कहाँ से करेंगे हम इसे? ओके मैंने इसे डाल दिया है बाहर। एलिमिनेशन ओके रहेगी भाई। ओके नेविल हैज बीन एलिमिनेटेड एंड द मिज का नंबर है अब। स्कूप स्लैम देने गया था वो पर
ट्रिपल एच ने पकड़ लिया है मिज को और मिज ने काउंटर कर दिया है शायद। हाँ ओके, पैर को कमजोर करने की कोशिश और सैमी जेन भी अब मेरे पे जा रहा है, मतलब जो पिट रहा है उसे पीट दो भाई साहब। ट्रिपल एच ने करा काउंटर और सैमी जेन जमीन पर, और अब ट्रिपल एच कमॉन स्टैमिना चाहिए मुझे। ओह शिट, मेरे पास स्टैमिना नहीं है बिल्कुल भी। जोरदार क्लोज लाइन डीडीटी दिया मैंने, मेरे को स्टैमिना बटोरना होगा। जब तक वो उसे पेलता है मैं स्टैमिना थोड़ा बटोर लेता हूँ। थोड़ा सा स्टैमिना तो आ गया मेरे पास, खड़ा हूँ मेज। कम ऑन, मेज जा रहा है एलिमिनेशन के लिए। ओके तो मेज हैज बीन एलिमिनेटेड, गया मेज। डेमन मेज जो आ गए हैं। ओके और एक फुट स्लैम मिज्डो को, मेरे पास इतना वो नहीं है, थोड़ा टॉन्ट पॉन्ट मार लेते हैं जिससे थोड़ा मोमेंटम बन जाए हमारा। कुछ नहीं हो रहा है भाई, स्लो मोमेंटम में तो हालत खराब हुई पड़ी है। और इसमें फेंक दिया है टाइटस ओनील, थोड़ी अच्छी तरीके से लड़ रहा है। 10वें नंबर पे कोई और आ रहा है भाई, पता नहीं कौन आ रहा है। खड़ा हो। ओके सिन का आ रहा आया है और हमें बाहर फेंक दिया है मिज्डो ने। 3, 2, 4, 1, 2, 3। ओके मैं अंदर आ गया कैसे भी। ओह शिट, टिन ने मेरा खोपड़ा फोड़ दिया। ट्रिपल एच पिट रहा है एक मिज, मतलब मिज्डो से कैसे हो रहा है ये। कम ऑन भाई साहब, कैसे करोगे, हालत खराब कर दी तुमने तो मेरी। काउंटर कोहनी लगी है मुंह पर। ओए इनने कैसे काउंटर किया भाई यार, हद हो गई। एक तो ये काउंटर कर रहे हैं बहुत तेज तेज, ऊपर से मोमेंटम स्लो है, क्या करूं मैं। ओके सेथ रॉलिंस आ गए हैं 29वें नंबर पे, काफी जीतने के आसार हैं इनके। ओके तो जोरदार क्लोज लाइन दी है मैंने इसे। 64 है मेरा मोमेंटम। ओके सिंह कारा को डीडीटी मिली है और ओके ट्रिपल एच ऑन टॉप रोप, सेथ रॉलिंस पे हमारा निशाना, मिज्ड हो गया। अरे कैसे ये लोग काउंटर कर रहे हैं, एक और डीडीटी सिंह कारा को, जे ऊसो की तरफ जा रहा है वो। ओके मिज्डो को मैंने फेंका इधर, एक कोहनी लगी है, खड़ा करो मिज्डो को। अरे इन्हें काउंटर कैसे करा भाई, ये तो मुझे ही काउंटर कर रहा है। इसके पास कोई फिनिशर वगैरह तो नहीं है। दो एक चार तीन दो, अरे ट्रिपल एच को एलिमिनेट नहीं करवाया, मेरे को लगा ट्रिपल एच हैज बीन एलिमिनेटेड। ओके खड़ा हो मिज्डो के बच्चे, तो खड़ा हो। अरे कैसे सिग्नेचर नहीं लग रहा, हद हो गई यार। लो उन्हें ही मार दिया मुझे, फिनिशर लगेगा अब मेरे को यार। मेरे पास सिग्नेचर था, मोमेंटम था, ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, ये क्या ड्रामा है। गेम बड़ी ग्लिची है और जब ज्यादा बंदे रिंग में हो तो और ग्लिची हो जाती है। एक अरे डीडीटी भी नहीं मारने दे रहे हैं ये लोग तो, और उसने खोपड़ा फोड़ दिया मेरा।
चलो भाई काउंटर तो हुआ कम से कम. कम ऑन मेरे को स्टैमिना चाहिए. स्टैमिना international luchadors of all time. He's in big trouble. This is an electric crowd here tonight. Signature laga hai zordar diamond senda ko. ZEBRONICS can't wait to connect. Warm up the buses. This one's over. अरे इनने काउंटर कर दिया यार मेरा मूव. टाइटस ओनील खतरे में और मैं तो खतरे में हूँ ही हमेशा के लिए. कम ऑन ट्रिपल एच का स्टैमिना नहीं बढ़ रहा. हाउ कुड इट बी पॉसिबल. स्टैमिना ही नहीं बढ़ रहा यार. बैठा हुआ है पूरा टाइम. हद हो गई. अरे ट्रिपल एच का स्टैमिना ही रुक गया, अटक गया यार. ये क्या चक्कर है. ओके इनने मुझे फिनिशर मार दिया. ट्रिपल एच का स्टैमिना ही अटक गया था. मैं क्या करूं. पूरे 30 बनने आ गए हैं क्या. ओके रिंग में 30 बनने हैं. मैं नहीं हूं रिंग में. और मैच का एंड पता नहीं क्या होगा. 5 बनने हैं. डैमिन हैंड आउट एडर्सन नील सिंह कारा जे उसो और सेथ रॉलिंस. देखते हैं इनमें से कौन जाएगा रसलमेनिया के मेन इवेंट में. पर कौन जीतेगा इस मैच को ये देखने वाली बात होगी. सैंडाओ एलिमिनेट होने की कगार पर खतरे में सैंडाओ और टाइटस ओनील को भी बाहर फेंक दिया गया है. लगभग डैमियन सैंडाओ हैज बीन एलिमिनेटेड और सिंकारा डोमिनेट कर रहा है जेउसो को और टाइटस ओनील फिर से अंदर. सेथ रॉलिन के पास सबसे ज़्यादा एडवांटेज है. वो सबसे कम पिटा है अभी तक मैच में फ्रेश है. और टाइटस ओनील को एलिमिनेट करने की पूरी पूरी कोशिश. जे उसो सिंकारा पर भारी और सिंकारा भी जे उसो पर भारी. सेथ रॉलिन एलिमिनेट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है पर टाइटस ओनील ज़्यादा हावी है जैसा कि आप देख ही सकते हैं. टॉप रोप से एक्शन देखने को मिला है आपको जे उसो का सिंकारा के ऊपर. स्लिंग ब्लेड मिल गया है भाई साहब टाइटस ओनील को. सेथ रॉलिन अपने स्टैमिना बटोरते हुए यहाँ पर. ये मैं क्रिकेट की तरह कमेंटेटरी कर रहा हूँ भाई. ओके सेथ रॉलिन के पास फिनिशर है. चाहे तो वो किसी एक को एलिमिनेट कर सकता है यहाँ पर ये तो लग रहा है खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा. कम ऑन सेथ यू कैन डू इट. टाइटस को भी नहीं हरा पाएगा. ओके सिग्नेचर आ गया. उसके बाद ड्रॉप किक लगी है और जे उसो सिंकारा को एलिमिनेट करने की कोशिश. टाइटस ओनील ने किया काउंटर सेथ रॉलिन के मूव का और पेट पे लात. सिंकारा को एलिमिनेट करने की पूरी पूरी कोशिश जे उसो की और काफी कगार पर एलिमिनेट करने के लिए. और सिंकारा हैज बीन एलिमिनेटेड. 3 बनने बचे हैं केवल इस मैच में. हु विल बी गोइंग टू रेसलमेनिया. सेथ रॉलिन. ओके सेथ रॉलिन कोने में पूरी पूरी एलिमिनेशन की कगार पर. क्या टाइटस ओनील एलिमिनेट कर पाएगा सेथ रॉलिन को. लग तो नहीं रहा. सेथ रॉलिन एक बार फिर से अंदर. उसके बाद जैसा कि मैंने कहा सबसे ज्यादा एडवांटेज है. तीनों बंदे रिंग में. सिंगारा बाहर जाते हुए और तीनों में से कोई भी जा सकता है रसलमेनिया. डबल टीम का हमला. सेथ रॉलिन का फूट गया है गमला. सुपर किक मारी थी पर लगी नहीं. बच गया वो टाइटस ओनील की वजह से. और अब एलिमिनेट करा जा रहा है सेथ रॉलिन को. क्या पता कर भी ले क्या पता नहीं भी करें. ओके सेथ रॉलिन फिर से अंदर. जे उसो ने उसे करा कोने में और सेथ रॉलिन एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है अब. टाइटस ओनील को पर नहीं एलिमिनेट कर पाया है. सेथ रॉलिंस को भी एलिमिनेट करने की पूरी पूरी कोशिश है. क्या कोशिश कामयाब हो पाएगी. और शायद सेथ रॉलिंस एलिमिनेट हो जाएंगे यहां पर. सेथ रॉलिंस हैज बीन एलिमिनेटेड. तो टाइटस ओनील और जे उसो में कोई दो बंदे में से कोई भी जा सकता है रसलमेनिया. दोनों ही अच्छे एथलीट हैं. जे उसो अपर हैंड होगा यहाँ पर जे उसो के पास क्योंकि वैसे टाइटस ओनील के पास अपर हैंड लग रहा है मुझे. टाइटस ओनील जा सकते हैं रसलमेनिया में. कुछ कह नहीं सकते हम और देखते हैं क्या होता है इस मैच में. तो फेंक दिया है इसे बाहर और क्या सिग्नेचर मारेगा वो. सिग्नेचर नहीं मारा है. नॉर्मल एलिमिनेशन की तरकीब अपनाई गई है. क्या जिमी उसो हैज बीन एलिमिनेटेड एंड टाइटस ओनील इज द विनर ऑफ दिस रॉयल रंबल. तो किसी ने सोचा नहीं था कि टाइटस ओनील जीतेगा इस रॉयल रंबल को. तो दोस्तों
आई होप कि आपको मजा आया होगा इस रॉयल रंबल को देखकर। टाइटस नील ने रॉयल रंबल जीता, आई थिंक करियर में पहली बार अपने जीता है, और रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जाएंगे, फेस करेंगे द रॉक को जो है अभी करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और इसी के साथ करते हैं वीडियो खत्म, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑन भी कर लें। आप चाहे तो हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, वंदे मातरम।